आज के इस वीडियो में हम एसी मोटर की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो एसी मोटर्स होते उनको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं एज सिंक्रोनस मोटर्स। एंड एसिंक्रोनस मोटर्स अब हम सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस मोटर्स। सिंक्रोनस मोटर के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। इस केस में स्टेटर को एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जबकि रोटर को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इस केस में रोटर जो पावर रिसीव करता है वो कंडक्शन के तरीके से रिसीव करता है। सो रोटर रिसीव्स पावर बाय कंडक्शन। स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस के जरिए रोटर को पावर देते हैं। सो रोटर पावर रिसीव करता है कंडक्शन के तरीके से। सिंक्रोनस मोटर के केस में चूंकि स्टेटर को भी सप्लाई मिलती है, रोटर को भी सप्लाई मिलती है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर ये डबली फेड टाइप मोटर है। डबली फेड टाइप। सो सिंक्रोनस मोटर डबली फेड टाइप ऑफ मोटर है। चूंकि रोटर कंडक्शन के तरीके से पावर रिसीव करता है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर को कंडक्शन मोटर भी कहते हैं। कंडक्शन मोटर। रोटर को जब डीसी सप्लाई देते तो इसके लिए स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस यूज होते हैं। स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। और ये स्लिप रिंग्स ब्रशेस टाइम के साथ साथ खराब होते हैं। सो इन मोटर्स में मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। सो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। सो ये तो हुआ सिंक्रोनस मोटर। सो सिंक्रोनस मोटर के अंदर स्टेटर होता है, रोटर होता है। स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं, रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। रोटर और डीसी सप्लाई कंडक्शन के तरीके से रिसीव करता है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर्स को कंडक्शन मोटर्स भी कहते हैं। क्योंकि स्टेटर को भी सप्लाई मिलती है और रोटर को भी सप्लाई मिलती है, इसलिए ये डबली फेड टाइप ऑफ मोटर्स है। रोटर को जब डीसी सप्लाई देते हैं तो इसके लिए स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस यूज होते हैं, और ये टाइम के साथ साथ ख़राब होते। सो इसकी रेगुलर पीरियड के अंदर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। अब हम एसिंक्रोनस मोटर डिस्कस करते हैं। एसिंक्रोनस मोटर्स। एसिंक्रोनस मोटर की भी मेनली टू पार्ट्स होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर को एसी सप्लाई प्रोवाइड करते, जबकि रोटर जो पावर रिसीव करता है वो इंडक्शन के तरीके से रिसीव करता है। रोटर रिसीव्स पावर बाय इंडक्शन। रोटर पावर इंडक्शन के उसूल के मुताबिक रिसीव करता है। चूंकि हम सिर्फ स्टेटर को सप्लाई देते हैं, इसलिए एसिंक्रोनस मोटर को सिंगली फेड टाइप मोटर्स भी कहते हैं। सिंगली फेड टाइप। ये सिंगली फेड टाइप मोटर है। और चूंकि रोटर इंडक्शन के प्रिंसिपल के मुताबिक पावर रिसीव करता है, इस वजह से एसिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर्स भी कहते हैं।
इस कैटेगरी के मोटर्स को इंडक्शन मोटर्स भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर के केस में स्टेटर के अंदर भी एसी होता है और रोटर के अंदर भी एसी होता है। सो इन दोनों में जो वोल्टेज होता है वो एसी होता है, जबकि इस केस में स्टेटर के अंदर एसी होता है और रोटर में डीसी होता है। एसिंक्रोनस मोटर बेसिकली एक ट्रांसफार्मर है जिसमें स्टेटर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग होता है और रोटर के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, लेकिन इस केस में ये सेकेंडरी रोटेट होता है, इसलिए एसिंक्रोनस मोटर इज नथिंग बट रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। इस केस में शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस यूज नहीं होते, इसलिए इस किस्म के मोटर्स ये मेंटेनेंस फ्री मोटर है। इसके एडवांटेज ये है कि इसके लिए मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। अब सिंक्रोनस मोटर्स और इंडक्शन मोटर्स ये टू टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, एंड द सेकंड वन इज पॉली फेज इंडक्शन मोटर्स। चूंकि पावर की जनरेशन एंड ट्रांसमिशन बाई थ्री फेज होती है, इसलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स में जो मोस्ट कॉमनली इंडक्शन मोटर्स यूज होते हैं वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ये लो पावर रेटिंग मोटर्स है। इसकी पावर रेटिंग लो होती है और इस वजह से ये डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स में वाइड रेंज के पावर रेटिंग्स आते हैं। ऑफ पावर रेटिंग यानी इसमें हर किस्म के पावर रेटिंग मोटर्स अवेलेबल होते हैं और ये मेनली इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन मोटर्स को सिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं और इनको एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं। ये जो मोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलते हैं, जिसको इस रिलेशन की मदद से फाइंड करते हैं 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी। ये एन एस सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इस कैटेगरी के मोटर्स में रोटर का जो स्पीड होता है ये इस स्पीड के इक्वल होता है, इसलिए इस कैटेगरी के मोटर्स को सिंक्रोनस मोटर्स कहते हैं क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलते हैं। इस कैटेगरी के मोटर्स में रोटर का जो स्पीड होता है इज नॉट इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। रोटर का स्पीड हमेशा लेस होता है सिंक्रोनस स्पीड से, एंड दैट्स वाई दिस कैटेगरी ऑफ मोटर्स इज ए सिंक्रोनस मोटर। क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलते, इस वजह से इसको ए सिंक्रोनस मोटर्स कहते हैं।